हेलो चिल्ड्रन, तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एक कंट्री को रन करने के लिए एक सिस्टमेटिक रूल्स का होना ज़रूरी है, तो अब हम आगे का देखेंगे कि हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी एट्सेट्रा। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो एक स्टेटमेंट है जिसमें नेशनल गोल्स रखे गए, एम्स रखे गए, जैसे कि लोकतंत्र का, समाजवाद का, ठीक है, सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी, यूनिटी, अखंडता, एकता का, राष्ट्रीयता का, तो इस तरीके के उद्देश्य रखे गए, गोल्स के लिए बनाया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपस में भाईचारा हो, लोग आपस में मिलकर रहें, एकता रहे। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है इस्टेब्लिश की गई, इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 9 दिसंबर 1946 को बनाना चालू किया गया था, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्यूस्ड स्कॉलर एंड लीडर्स। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जैसे प्रसिद्ध स्कॉलर्स, विद्वान, राजनेता लोग शामिल थे, लीडर्स जो थे इसमें शामिल थे बनाने के लिए। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फॉरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने सारे विचार, जो भी उनको एक्सपीरियंस था, जिसकी उन्हें ज़रूरत लगती थी देश में होना चाहिए, उनका राजनीतिक जो एक्सपीरियंस था वो सारा कुछ इसमें डाल दिया था। लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जैसे कि हमने देखा कि बड़े बड़े राजनेता लोग शामिल थे, विद्वान शामिल थे, जिसमें इन लोगों के नाम दिए गए हैं कि ये लोग भी, जैसे इसमें राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड एचपी मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रैंक एंथोनी और पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एचपी मोदी। द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी एट्सेट्रा। तो जो कमिटीज थी उसमें स्कॉलर्स जो थे, विद्वान जो थे, उसमें ये अलादी कृष्ण स्वामी थे, अय्यर और अम्बेडकर जी थे, और मुंशी थे, के एम मुंशी जी शामिल थे। देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसमें बस मेल मेंबर्स ही नहीं थे, कुछ फीमेल मेंबर्स को भी लिया गया था, जैसे कि सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो जो ये असेंबली बनाई गई थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पहले जो थे प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देयर वर अ मेंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के और भी बाकी के जो पहलू थे वो देखने के लिए और भी कमिटीज बनाई गई, ताकि उनको ध्यान में रखकर वो कमिटीज अपने आगे के रूल्स दे। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फाइनल शेप दिया गया वो किन के द्वारा दिया गया? जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूट ड्राफ्टिंग कमिटी के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ टाइम
पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज. तो इतना टाइम समय लगा, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. तो इस टाइमिंग में, ये जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, उसमें 166 टोटल मीटिंग्स हुई थी. तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लेंगे. ऑन 26th of November 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एनफोर्स ऑन 26th of January 1950. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पास किया गया था, बनाया गया था 26th of November 1949 को, बट ये लागू किया गया 26th of January 1950 को. तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बड़े बड़े लीडर्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे सरोजनी नायडू, कन्हैया लाल मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आजाद. तो देख लेंगे आगे है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है. वट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो. नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन के वो वर्क नहीं कर सकती है. एक सिस्टमेटिक फॉर्म में एक सही तरीके से देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है. अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द एथोस एंड आइडल ऑफ अवर कंट्री. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कई उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, कई उद्देश्य इनसे पूरे किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो बनाया गया महान नेताओं से, आइडल से, लोकनीतियों से, इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव. ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे देश को किस तरीके की सरकार की ज़रूरत है. हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर कंट्री, हमें अपना देश का कामकाज कैसे चलाना है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट अवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अवर बिहाफ. तो ये जैसे कि हमने देखा कि हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र की वजह से यहाँ पर हम अपना नेता खुद ही चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ में वर्क करते हैं, कि जनता को क्या चाहिए उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं कि मतलब इस तरीके से काम होना चाहिए जिसमें जनता का वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. और constitution में कई ऐसे प्रावधान भी बनाए गए हैं, provisions बनाए गए हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि leaders के द्वारा, जो leaders हमने choose किए हैं उनके द्वारा तो powers को misuse नहीं किया जा रहा, जो उनको power दिया गया है कहीं उसका वो लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, अगर हाँ तो उन्हें भी punish किया जाएगा, ऐसे नियम भी बनाए गए हैं. तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से देश का कामकाज कितने अच्छे तरीके से चल सकता है. आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं. तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू.